नमस्कार, श्री पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद आज पहली बार ललन सिंह पटना पहुंचे हैं। पटना एयरपोर्ट पर जदयू के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने ललन सिंह का जोरदार स्वागत किया। जी हां, भव्य तरीके से स्वागत किया गया है। राजधानी पटना में जगह जगह पर आतिशबाजी भी की जा रही है। ललन सिंह के पटना पहुंचने को लेकर के पटना की सड़कों पर स्वागत के लिए पोस्टर्स भी लगाए गए हैं। जी हां, इस बीच आपको बता दें कि ललन सिंह के स्वागत के लिए तैयारियां उसी दिन से शुरू हो गई थी जब दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दौरान उनकी ताजपोशी हुई थी। जब पटना एयरपोर्ट पे पहुंचे तो वहां हजारों की तादाद में पार्टी के नेता, कार्यकर्ता और उनके समर्थक मौजूद थे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत करने के लिए। जी हाँ, ललन सिंह के स्वागत के लिए पार्टी के नेताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी थी। बड़ी तादाद में बिहार के अलग अलग हिस्सों से जदयू के नेता और कार्यकर्ता पटना पहुंचे हैं। पटना एयरपोर्ट से ललन सिंह का काफिला बेली रोड होते हुए प्रदेश जदयू कार्यालय पहुंचेगा। इधर पटना एयरपोर्ट पहुंचते ही ललन सिंह ने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है और अध्यक्ष का काम यही है, संगठन को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं को उत्साहित करना, कार्यकर्ताओं में उत्साह भरना, ताकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कामों को बिहार के हर घर तक पहुंचाया जा सके। जी हां, तो ललन सिंह के पहुंचते ही एयरपोर्ट पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी और कार्यकर्ताओं और नेताओं में जो उत्साह है आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं कि कितने उत्साहित है अपने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत करने के लिए। स्वागत भी किया उन्होंने और अब पार्टी कार्यालय के लिए ललन सिंह जो है वो रवाना हो गए हैं और साथ साथ आगे आगे ललन सिंह चल रहे हैं, उनका जो काफिला है वो चल रहा है और पीछे पीछे जो है कार्यकर्ता और नेता जय जयकार लगाते हुए आ रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए, इसी तस्वीर के साथ आपको छोड़े जाते हैं। कार्यकर्ताओं को उत्साहित करना, कार्यकर्ताओं में उत्साह भरना और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के काम को हर घर तक पहुंचाना।